ओके ओटीपी भी बता दो तो चलें। बाय 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 मम्मी, थैंक यू, हैप्पी जर्नी आपको। हम लोग जा रहे हैं 3 दिन के लिए फॉर माय वेडिंग शॉपिंग एंड ये। प्लीज यूज 5 5 8 सबक्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3। रेलवे स्टेशन पर चूहों को निहारती पल्लवी टहलती हुई, बैठे बैठे बोर होते हुए सिचुएशन में चलो बात करने वाले। आर यू गाइस एक्साइटेड? क्या कर रहे हैं? ये मेरा ब्लॉग है, तुम लोग एक्साइटेड हो? मैं ब्लॉग में मैं मेरा फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम मेरे में मेरा फॉलो करो मेरा है द चौहान साहब नया बनाया, कर लीजिए सब लोग फॉलो करिए 50-60 करोड़ लोग। भैया का चेहरा गोपनीय रहते हुए हमने चाय मांगी ताकि भैया की आइडेंटिटी सामने ना आ पाए। फिर भैया ने कहा मैं कोई रॉ एजेंट थोड़ी हूँ जो मेरी आइडेंटिटी छुपा रहे हो। सही चाय होगी भैया, फ्रेश है? फ्रेश है, ये कुछ फ्रेश है भैया मेरे साथ। अच्छा, हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आप अपनी शॉप का कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। रेलवे की कैंटीन है ये? कौन सी? रेलवे की। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। फिर हमने अपने घर के एक जरूरतमंद को चाय पिलाई। अब गरिमा को लोगों ने देख लिया है, अब मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे यूट्यूब पे। फिर हमने एक गरीब बेसहारा को नमकीन दिखाते हुए उस पर 2-4 बातें कहीं, हंस हंस के मेरा पेट फूल गया। केवल हमें एक चीज लग जाती है, वो है समोसा, और कुछ नहीं। समोसा भी ला रहे हैं, चलो चलो। लोग सोच रहे होंगे पल्लवी यहाँ ट्रेन का इंतजार करें, लेकिन पल्लवी कुछ ऐसे लोगों की तलाश में है जो अपना बैग लेकर निकल आए और ये झट से उनका बैग छीन के भाग जाए। अब ये लोगों को दिखाने का प्रयत्न कर रही हैं कि ये बहुत चाय एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन चाय फीकी है, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। और ये हमारी ट्रेन का एक इंजन आते हुआ, ये इंजन बता रहा है कि हम दिल्ली लेकर जाएंगे। ट्रेन का नाम है हम सफ़र एक्सप्रेस। ट्रेन एकदम समय पर आई है, इस बात की घोषणा ट्रेन ने चिल्ला कर चूँ चूँ करके करी है, लेकिन मैंने इसको म्यूट कर दिया है ताकि मेरी आवाज़ आए। चलो बढ़ो, चढ़ा दीजिए। तुम रखो, टेंशन ना लो तुम, मैंने को रखा होगा, पैकेट रखा कि नहीं रखा? अरे पैकेट रखा कि नहीं, पैकेट में खोल वगैरह ये है तो। अरे ये पैकेट दो उनको यार, ज्ञान दे रहे हैं। और शुभम भी अपना बिस्तर लगा रहे हैं। पैर हटा रही हूँ, हाँ ठीक है। ये मेरी क्यूट से सॉक्स, शुभम का बिस्तर बचा हुआ है। बात से हम इस बात से परेशान थे कि रेलवे के सारे चद्दर और तकिए के खोल सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं जबकि कंबल काले रंग का है, कि काफ़ी डरावना और भयावह भी हो सकता है, किसी को पता ही ना चले सफ़ेद कंबल में नीचे कौन है। मैं डर गया, घबरा गया, इस बात पर ये लोग हंस रही हैं, नादान किड्स। दिल्ली की सुहानी धूप ट्रेन के ऊपर पड़ते ही मानो ट्रेन चहचहा उठी। So we have reached. So guys, अब हम लोग जा रहे हैं यूपी भवन। मेरे साथ है गरिमा, गरिमा से हाय। हाय। और शुभम, शुभम खुद ही आए कर लो। और मेरा गला जा चुका है, बाय, सी यू सून। और ये है अक्षरधाम मंदिर, हमारे रास्ते में पड़ रहा है यूपी भवन के। दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग। और अब हमारी कैब आ गई है और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। ये सो गाइस, अब हम आए हैं दूसरे डिजाइनर के यहाँ और दीदी को एक लहंगा पसंद आ रहा था तो वो अब हम जा रहे हैं ट्राई करने। कुछ बोलना चाहेंगी आप? पहले बहन तो नहीं, फिर बताऊंगी। रही टू बी ब्राइड का पहला ट्रायल ऑफ लहंगा। बन्नू रे बन्नू, नाइस।
बट आई थिंक इट्स टू रिवीलिंग. व्हाट डू यू से? मॉडल्स के लिए जो जन्नत है, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और मेरा एक सपना आज सच हुआ. मॉडल्स के लिए तो जन्नत है, पर जो खरीद रहा है, जो पैसे लगा रहा है, उसके लिए मौत का घर. नमस्कार. एंड नाउ वी आर हेडिंग टू तरुण दहलियानी. वाओ, ऑल माय ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू. का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव तो था, इसलिए क्योंकि हमने जितने भी डिजाइनर शॉप से सारे देख लिए और अब हम डिनर के लिए आए हैं विद माय फैमिली, विद माय ब्रदर एंड माय फादर एंड माय कजिन एंड माय टू बी हस्बैंड. सो सी यू देयर. हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लो. स्थिति अब रोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज सभी लोग रोस्टर्स हैं और मेरी रोस्टिंग हो रही है बिकॉज मैं ही वो बकरा हूँ जिसे आज हलाल करेंगे इस टेबल पर. बाय, गुड नाइट, सी यू सून.